तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो फोन लेने के बाद पछताने लगता है कि मैंने इस फोन को क्यों लिया। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अपने फोन को परचेस करने के बाद पछतावा करने लगते हैं कि मैंने इस फोन को क्यों परचेस किया। तो बने रहे इस वीडियो में, टोटल आपको डिटेल समझाने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पूरी बात आपको ध्यान से सुननी है, तभी आपको अच्छे तरीके से मैं जो बताऊंगा समझ में आने वाला है। तो बहुत सारे बंदे ऐसे रहते हैं, सबसे पहले अपना बजट फिक्स करके नहीं रखते हैं और वो अक्सर चक्कर खा जाते हैं किसी भी चक्कर में। यानी कि जैसे कि वो अपना बजट 10,000 15,000 रख रहे हैं, उनको ये पहले से कंफर्म नहीं रहता कि हमारा फोन पहले से कितने का होने वाला है। ये बात ये फिक्स करके वो लोग नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी उनका नुकसान हो जाता है उस चक्कर में। ऐसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 का फ़ोन है, लेकिन अगर आप दुकान पर जाते हैं तो 10,000 की जगह 12,000 या 15,000 का भी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ डिफरेंट रहती है, आपकी चॉइस कुछ और रहती है, या आप लेकिन लेके कुछ और आ जाते हैं। आप मोबाइल को परचेस करना चाहते हैं गेम के लिए, लेकिन आप वहाँ पर ले लेते हैं कैमरा वाला फ़ोन, और उस चक्कर में आप उस फ़ोन को लेके आते हैं तो आप सोचते हैं यार मैंने इस फ़ोन को गलत ले लिया। यानी कि ये मेरे पास में बॉक्स है, जैसे कि इस फ़ोन को मैंने नॉर्मल यूजिंग के लिए है, हालांकि इसमें हल्की पल्की गेमिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, कैमरा भी इसका ठीक ठाक है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं इसका हैवी इस्तेमाल गेमिंग में करूँ या फिर हैवी इस्तेमाल करूँ कैम फोटोग्राफी में, और उस टाइम में मुझे पछतावा होगा, क्योंकि मैंने इस फ़ोन को मतलब हर एक चीज़ में इस्तेमाल करने के लिए है, इसमें ज़्यादा पछतावा होने की वो नहीं है, क्योंकि मैंने इस काम के लिए ही उस फ़ोन को लिया है। लेकिन ऐसे लोग रहते हैं जिनका पहले से वो फिक्स नहीं रहता है और किस चीज़ के लिए फ़ोन ले रहे हैं, और लेकिन बाद में वो काम वो करते हैं, यानी कि लेते हैं कैमरे वाला फ़ोन और बाद में उसमें गेम खेलते हैं, बाद में बोलते हैं कि मैंने इस फ़ोन को क्यों लिया। तो पहले से सारी डिटेल निकाल के रखनी कि भाई मुझे फ़ोन किस चीज़ के लिए लेना है, यानी अपने फ़ोन में अधिकतर क्या काम करना है। जैसे कि आपको कैमरा का काम करना है तो आपको कैमरे वाला ही फ़ोन लेना चाहिए, बैटरी बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो आपको बड़ी बैटरी वाला ही फ़ोन लेना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे यार इस फ़ोन में ऐसा बैटरी कम चलता है या फिर इसमें बैटरी में काफ़ी दिक्कत आ रही है, बार बार ड्रेन हो जा रही है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है पहले से, क्योंकि आपका हैवी यूजर है, यानी कि घर से आप बाहर रहते हैं समथिंग पूरे दिन, तो आपको हैवी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, या फिर आप फोन में अधिकतर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आपके कैमरे की जरूरत पड़ती है, फोटोग्राफर है तो आपको हैवी से हैवी कैमरा वाला, यानी कि अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, हैवी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेगापिक्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि फोटो या फिर वीडियो की क्वालिटी कैसी आती है टोटल इसे डिपेंड करता है। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि ना कि मेगापिक्सल पे, आपको पहले ही मैं कई वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से लोग हैं जो कि फ़ोन परचेस करने के बाद पश्चाताप करते हैं और यही बोलते हैं कि मैंने इस फ़ोन को क्यों परचेस किया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।